लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के अगर किसी सांसद की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी की टिकट पर अवधेश प्रसाद को फैजाबाद यानी अयोध्या सीट पर जीत मिली है। हाल ही में अवधेश प्रसाद ने विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार जाने का भी दावा किया। अवधेश प्रसाद को उस फैजाबाद सीट से जीत मिली है जहां बीजेपी को अपनी फतेह की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। इसकी वजह यह थी कि साल जनवरी में ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हालांकि चुनावी नतीजों में ऐसा नहीं हो सका। यहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद को उतारा गया जिन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और यूपी में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि वोटर्स और सारे देश ने संदेश दिया है कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। इस तरह की राजनीति को मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। अगर आज स्थान है तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को जमहूरियत से बचाने का है और देश में महंगाई खत्म करने का है। सपा सांसद ने कहा कि देश में जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है, देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं यानी कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल जी ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है और काफी हद तक वो साबित हुई है। आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, फिर खुशहाल और मजबूत राष्ट्र बनेगा।